शुरुआत हम कोविड के मामलों से कर रहे हैं, क्योंकि शारिक लगातार अब जो मामले हैं वो काफी तेजी पकड़ रहे हैं बढ़ने के। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो 5676 नए कोरोना के केस सामने आए, जबकि 12 मरीजों की मौत हो गई है। अब एक्टिव केसेस की तादाद 37,093 है, वहीं रोजाना संक्रमण दर बढ़कर 2.88% हो गया है। दिल्ली की बात करते हैं तो यहां भी केस तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 980 नए मामले सामने आए, 2 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई। फिलहाल सबसे चिंता वाली बात यहां का संक्रमण दर है। बिल्कुल, तो दिल्ली की जो संक्रमण दर है वो 26% के करीब पहुंच गई, यानी अगर 100 लोगों का टेस्ट कराया जाएगा तो 26 लोग उसमें से पॉजिटिव निकलेंगे, जो सबसे ज्यादा है दिल्ली में। और सक्रिय जो कोरोना के मरीज हैं वो 2876 हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर भी बड़ा उछाल देखने को मिला है, 24 घंटे में 919 नए मरीज सामने आए हैं और एक मरीज की जान चली गई है। एक्टिव मरीजों की कुल तादाद 4875 है। मुंबई में 24 घंटे में 242 नए केस, फिलहाल मुंबई में कोरोना के 110 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। एक्टिव मामलों की कुल तादाद 1478 है। शरद शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे शरद के पास चलते हैं और शरद से बात करते हैं। शरद, अगर हम नंबर्स पर जाएं तो नंबर्स उतने ज्यादा नजर नहीं आ रहे, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की क्या स्थिति है और ये कितना गंभीर है, कितना गंभीर है ये मामला? शरीक, देखिए सबसे पहले तो पॉजिटिविटी रेट तो चिंताजनक है ही, क्योंकि आप ये देखिए कि परसों जो रिपोर्ट आई है, हेल्थ बुलेटिन आया है, वो ये बता रहा है कि दिल्ली के अंदर लगभग 1800 टेस्ट हुए हैं और 484 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और जब कल 11 अप्रैल की हेल्थ बुलेटिन आई है उसमें ये दिखा रहा है कि 3700 टेस्ट हुए हैं, 980 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो दोनों ही दिन में भले ही टेस्ट कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, टेस्ट की संख्या दोगुनी भी हो जा रही है, तो भी पॉजिटिविटी रेट जो है वो 26% पाया जा रहा है, यानी कि टेस्ट कराने वाला हर चौथा व्यक्ति जो है वो संक्रमित पाया जा रहा है। जहाँ तक बात है हॉस्पिटलाइजेशन की, यानी कि लोग हॉस्पिटल में कितना पहुँच रहे हैं, तो ये एक राहत की स्थिति है यहाँ पर, क्योंकि भले ही लगातार मामले बढ़ रहे हैं लेकिन हॉस्पिटल में लोग बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, जिससे कि ये दिखाई दे रहा है कि मामला सीरियस नहीं हो रहा है। लेकिन रोज़ाना ही अभी बीच में स्थिति ये आ गई थी कि कोविड के मामले भी कम हो रहे थे और कोविड से किसी की मौत भी रिपोर्ट नहीं हो रही थी, लेकिन अब रोज़ाना ही 1-2-3 मौत जो हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं। भले ही सरकार कह रही हो कि प्राथमिक कारण इन मौतों का कोरोना नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं ज़्यादातर जो या तो पहले से ही किसी पुरानी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं या जो उम्रदराज हैं, सीनियर सिटीजन हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर ये जो इस समय कोरोना है ये ज़्यादा जो है उनको परेशान कर रहा है। इसीलिए जो जानकार हैं वो यही सलाह दे रहे हैं कि ये एक बार जब वायरस आ जाता है तो कहीं जाता नहीं है, आज तक भी पोलियो का या फिर टीबी का वायरस कहीं गया नहीं है, केवल अपनी जो शरीर की इम्यूनिटी है जब हम इसको डेवलप कर लेते हैं तभी इससे बचाव हो पाता है। तो ये जो इम्यूनिटी है, चाहे आप नेचुरली तरीके से डेवलप करें, आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो डेवलप हो जाती है, या आप वैक्सीन लें, तो इसलिए बूस्टर शॉट की बात की जा रही है कि ज़्यादातर लोगों ने बूस्टर शॉट नहीं लिया है वैक्सीन का। सलाह दी जा रही है कि बूस्टर शॉट लें। और जहाँ तक बात है कि ज़्यादा मामले आ रहे हैं, तो मामले ज़्यादा ज़रूर आ रहे हैं, पर अच्छी बात यह है कि हॉस्पिटल में लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो पुरानी गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोग हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए ये चिंता की स्थिति इस समय जरूर है। बिल्कुल सर, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अब कोरोना की जो ये जो वेव आई है इसके दस्तक दिए हुए भी अब एक महीने के करीब का वक्त हो चुका है। जीनोम सीक्वेंसिंग की बात लगातार की जा रही थी ये पता करने के लिए कि कहीं नया वेरिएंट तो नहीं आ गया, क्या उस दिशा में कुछ बात आगे बढ़ पाई है, चाहे वो केंद्र की तरफ से हो चाहे वो राज्यों की तरफ से हो? देखिए, केंद्र हो राज्य हो, जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान दिया गया है और एक ही वेरिएंट है जो इस समय प्रेवलेंट है, XBB.1.6 जिसको बोलते हैं, तो ज़्यादातर मामलों में वही पाया जा रहा है और उसी के बारे में बताया जा रहा है कि ये संक्रामक तो है लेकिन बीमारी की गंभीरता को ये नहीं बढ़ा रहा है। तो एक तरफ से ये राहत की बात तो ज़रूर है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ज़्यादातर आबादी जो है उसने बूस्टर शॉट वैक्सीन का नहीं लिया है, 25-26% ही बताया जाता है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने तीसरा डोज जो है वैक्सीन का लिया है। तो ऐसे में अगर वैक्सीन ली हो तो भले ही आप बीमार हो जाएं तो ज़्यादा गंभीर आप नहीं होंगे और मौत की तरफ जाने की तो स्थिति बहुत ही कम होगी। तो इसीलिए जो जानकार हैं वो यही बता रहे हैं कि अभी का वेरिएंट जो है संक्रामक है और कोरोना कहीं जाएगा नहीं, एक बार जो वायरस आ जाता है वो कहीं जाता नहीं है, वो समाज में रहता है, संसार में रहता है, बस अपनी इम्यूनिटी जो है हम किस तरह से विकसित करते हैं उसके प्रति ये हम पर डिपेंड करता है और उसी से जो है हम इन वायरस से बच पाते हैं। तो
किस तरह से हमें बचना है इसके बारे में हमें सोचना होगा, क्योंकि आज एक वेरिएंट है, कल को दूसरा वेरिएंट आ जाएगा, फिर एक और वेरिएंट आ जाएगा, ये चलता ही रहेगा। हमें अपने बारे में सोचना है, वेरिएंट के बारे में नहीं सोचना है। शुक्रिया शरद। और खुद के बारे में खुद सोचा जाए, क्योंकि जहां तक सरकार के आंकड़े और सरकार की दलील की जिन लोगों की मौत अभी हुई है उसकी प्राथमिक वजह अदिति कोरोना नहीं है। तो हमने पिछले दिनों देखा है कि लाशों के अंबार लगे थे लेकिन नंबर्स जो हैं वो कहीं और बताए जा रहे थे। तो ऐसे में सरकार के आंकड़ों पे या उनके भरोसे पे कितना भरोसा किया जाए, ये भी एक सवाल है। शुक्रिया शरद।